जिसके पास ताकत होती है उसी की पूछ होती है। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि 9 महीने में 20 विधायकों वाले 1 पर आ गए, 23% वोट से 1.5% पर सिमट गए, 17.5% वोट और 10 विधायक चुन करके आपके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में गए। अगर ये राज की ताकत ना हो तो फिर विधायक तो 40 घूमते रहो, चाहे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो आपसे यही गुजारिश और विनती करूंगा कि जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी तादाद में यहां संगठित होकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये सोचने पे विवश कर दिया है कि भविष्य अगर किसी का है तो वो जननायक जनता पार्टी का है, और ये सिलसिला हमारा अब रुकेगा नहीं। इसी महीने में हम दूसरी फरीदाबाद जिले की रैली का आयोजन भी करने जा रहे हैं। 6 अगस्त को इनसो का हमारा स्थापना दिवस है, उस दिन हिसार में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, और ये सिलसिला लगातार इसी तरीके से 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में आप लोगों के बीच में चलेगा। उसमें आपका सहयोग, आशीर्वाद, प्यार और दुलार चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में जन शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। सिरों की गिनती से ही निर्णय होता है कि कौन ताकतवर है। आपके समक्ष पुरानी पार्टी से जब हम अलग हुए तब हमने पुरानी पार्टी के लोगों को कहा कि ये झंडा आपका, डंडा आपका, पार्टी का चुनाव चिन्ह आपका, पार्टी का फंड आपका, ये 20 विधायक आपके, 23% वोट आपके, आप इन्हें संभाल करके रखो, हम तो लोगों के बीच में जाएंगे और जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पैरा देने वाले लोगों के बीच में एक नया घर बसाने का काम करेंगे। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि 9 महीने में 20 विधायकों वाले 1 पर आ गए, 23% वोट से 1.5% पर सिमट गए। दूसरी तरफ आपने इस होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, पांडु पिंडारा की धरती पर लाखों की तादाद में एकत्रित होकर के आपने इसकी पीठ थपथपाई, प्यार प्रेम सहयोग और आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत 17.5% वोट और 10 विधायक चुन करके आपके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में गए, और उसी की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। उजरगोर नौजवान दोस्तों, आज राजभाग की हिस्सेदारी की बदौलत ही ये मंत्री आपके बीच में खड़े होकर के, उपमंत्री मुख्यमंत्री आपके बीच में खड़े होकर के आज 1100 करोड़ रुपए की घोषणाएं कर रहे हैं। अगर ये राज की ताकत ना हो तो फिर विधायक तो 40 घूमते रहो, चाहे कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके पास ताकत होती है उसी की पूछ होती है। आपको याद होगा विपरीत परिस्थितियों में हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार ने जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पैरा देने वाले लोगों के बीच में किए गए वायदों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम किया, और 75% से ज्यादा वायदे इन 3.5 वर्ष में हमने पूरे किए हैं। मैं बार बार उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, मेरे से पूर्व वक्ता बता चुके हैं। उजरगोर नौजवान दोस्तों, जो कोई कोर कसर कमी कोताही पिछले 3.5 वर्ष में रही है, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आगामी 1.5 वर्ष में उसकी भरपाई करने का काम ही नहीं करेंगे, बल्कि सवाया करके आपको देने का काम करेंगे। और आपसे भी गुजारिश और विनती करूंगा कि आप लोग भी संगठन की दृष्टि से जो कोई कोर कसर कमी कोताही रही है उसकी भरपाई करने का काम आप करना, और उसके लिए सीधा सा एक फार्मूला है, हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, एक मजबूत बूथ सखी, एक मजबूत बूथ एजेंट और अनुभवी लोगों की टीम उनके साथ खड़ी करना,
अगर इस तरह का संगठन खड़ा करने में आप कामयाब रहे तो फिर मिशन 2024 को कोई रोकने वाला नहीं। फिर ये 10 विधायक से 46 होते हुए देर नहीं लगती, फिर ये 17% से 51 होते हुए भी देर नहीं लगती। मुझे याद है 1984 का वो चुनाव जब सोनीपत से चौधरी देवीलाल जी लड़ रहे थे, हिसार से चौटाला साहब लड़ रहे थे, हम 10 की 10 लोकसभा सीट हार गए थे, जीरो पे आ गए थे। 10 दिन के बाद मुझे चौटाला साहब ने कहा, मेरा धन्यवादी दौरा बना दो, गाड़ियों को रिपेयर करवा के इनके लाउडस्पीकर ठीक करवा दो और प्रोग्राम बना दो। मैं उन गाड़ियों को, उन दिनों में ये डिस्पोजल की गाड़ियां जीपें वगैरह ही होती थी, ऐसी गाड़ियां तो होती नहीं थी, उनको लेकर के हिसार के ऑटो मार्केट में एक फौजी डांबड़े वाला मिस्त्री होता था उसकी दुकान पर गया। वहां जाकर के अभी बैठा ही था कि 5-6 बिश्नोई पहले से बैठे हुए थे, चौधरी भजनलाल उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बिश्नोइयों का दिमाग सातवें आसमान पे था, मेरे को देख करके आपस में बतलाने लगे और कहे कि अब चौधरी देवीलाल सड़कों पर कागज बेशक चुगले, वोट तो कुछ बचा नहीं है। मुझे गुस्सा भी आया, पर करूं क्या, वो 5-6 थे। मैंने मन में गांठ बांध करके वहां से निकल लिया। 1985 में चौधरी देवीलाल ने नैम की विधानसभा से इस्तीफा देकर के उपचुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयी हासिल हुई। थोड़े दिन के बाद न्याय युद्ध का आंदोलन शुरू हो गया और 1987 पहुंचते पहुंचते वो 0 से 90 में से 85 विधानसभा की सीटें आपने जीत करके दी। वो आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुलार था, जिसका परिणाम ये रहा। सो बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आपसे विनती और गुजारिश है कि 1.5 वर्ष में आप लोग संगठित होकर के उसी तरीके का कार्य करने का काम संगठन की दृष्टि से करें। निश्चित तौर पर सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और मिशन 2024 पूरी तौर पर आपकी इच्छाओं के अनुरूप होगा।